जैसे लद्दाख में माउंटेन्स होते वैसे ही है, बट यहाँ थोड़ी गर्मी है। एंड बीच में यहाँ पर अभी ब्रेक के लिए रुके हुए थोड़ी देर के लिए, लंच के लिए कुछ खाने पीने का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैंने चेकआउट कर लिया हॉस्टल से, अभी मैं बिश्केक से निकल गया हूँ एंड अब मैं जा रहा हूँ कराकोल। अराउंड 12 बजे मैं निकल गया था बिश्केक के वेस्टर्न बस स्टेशन से, एंड ऐसा मिनी बस होता है एंड यहाँ की करेंसी 500 रुपये का टिकट था कराकोल के लिए, अराउंड 6 घंटे की जर्नी है। तो रास्ता तो काफ़ी सही है, लद्दाख जैसी फीलिंग है पूरी। जैसे लद्दाख में माउंटेन्स होते वैसे ही है, बट यहाँ थोड़ी गर्मी है। एंड बीच में यहाँ पर अभी ब्रेक के लिए रुके हुए थोड़ी देर के लिए, लंच के लिए कुछ खाने पीने का। मैंने एक सैंडविच खा लिया है, अभी यहाँ से 3 घंटे की जर्नी और है, तो फिर मैं कराकोल पहुँच के आप लोगों को वहाँ का दिखाता हूँ। बिश्केक से कराकोल अराउंड 6 घंटे की जर्नी है एंड बीच में एक तीन घंटे के बाद एक बार ब्रेक होता है। फाइनली मैं कराकोल बस स्टैंड पहुँच गया हूँ एंड यहाँ से होस्ट का था 3 किलोमीटर, यहाँ से फिर मैं टैक्सी लेके जाता हूँ। ब्रेकफास्ट करके फिर घूमने निकल गया हूँ, पास में इसिक लेक और कुछ मॉन्यूमेंट हैं, मैं वहाँ विज़िट कर रहा हूँ अभी। कराकोल से इसिक लेक अराउंड 30-40 मिनट्स का ड्राइव है एंड कराकोल से इसिक लेक जाने के लिए यहाँ पर मशरूब कास मिल जाती है। फाइनली मैं अभी इसिक लेक के सबसे छोटे वाले पार्ट में आ गया हूँ, यहीं से लेक का एक छोटा स्टार्ट हो रहा है। कल भी मैं जाने वाला हूँ दूसरी जगह, वो ज़्यादा वाइडर है, बट यहाँ पर एक बीच था तो वहाँ पर आ गया हूँ अभी। एंड ये थोड़ा क्राउडेड है तो मैं थोड़ा साइडवेज जा रहा हूँ दूर। कल पास में एक छोटा सा बीच था वहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी छोटा सा है वैसे, इससे क्लिक का स्टार्टिंग पॉइंट है ये, बट बहुत ही छोटा सेक्शन है एंड देन पानी भी कम है यहाँ पर। पीछे माउंटेन्स भी हैं वहाँ पर चारों तरफ में, काफ़ी अच्छा है वैसे। फिर कराकोल में काफ़ी सारे ट्रैक्स हैं, डे हाइकिंग एंड वैलीज है काफ़ी अच्छे अच्छे तो यहाँ पर अगर 4-5 दिन के लिए आ रहे हो तो काफ़ी कुछ कर सकते हो। इससे लेक है, ये काफ़ी बड़ा लेक है, अराउंड 150 किलोमीटर में फैला हुआ है एंड ये किर्गिस्तान का सबसे बड़ा लेक भी है।
बीच के पास काफ़ी सही है, आराम चिल करते रहो, पानी वार्म है, ठंडा तो नहीं है, कंफर्टेबल है। मैं यहाँ पर ये बहुत बड़ा लेक है, कहीं पर भी खाली से जगह चुन लो एंड वहाँ बैठ के चिल करते रहो। सब मैं वापस कराकोल जा रहा हूँ एंड वहाँ पर कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको भी जाके एक्सप्लोर करता हूँ। पर सामने आप लोगों को ये माउंटेन्स दिख रहे होंगे, ये कराकोल के आसपास काफ़ी सारे अच्छे ट्रैक्स हैं, वैलीज़ हैं एंड स्की रिजॉर्ट भी है, बट अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं तो मैं इसलिए इन सब जगह पर विज़िट नहीं करूँगा। अब मैं कैथेड्रल में आया हूँ, तो काफ़ी पुराना चर्च है, 1880s में बना था, सिर्फ एम्पेरर वुड से बना रखा है। उन्होंने चेंज कर रखा है, थोड़ा सा रेनोवेट कर रखा है, बट बाहर का तो पूरा बट सारी लकड़ी एंड स्ट्रक्चर सारा पुराना है। सर मैं यहाँ से वापस अपने हॉस्टल के यहाँ जा रहा हूँ, आज होस्ट के पास जाने का प्लान है एंड देन कल मैं यहाँ से कराकोल से निकल जाऊँगा एंड मैं प्लान कर रहा हूँ कि साउथ ऑफ इसिकल या फिर चलकोनाटा कहीं चले जाऊँ। तो ये डुंगन मॉस्क है, मैं 1890s में यहाँ पर चाइनीज मुस्लिम पर शिफ्ट हो गए थे, तो उस टाइम पे ये मॉस्क बना हुआ है एंड इसका ख़ास बात ये है कि इसने एक भी कील का यूज़ नहीं किया, नेल्स कुछ यूज़ नहीं किया एंड इसको वुडन के स्ट्रक्चर से ही बनाया है ये भी।